हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी चटनी लेकर, जो कि हरी मिर्ची और लहसुन और बादाम से बनता है। ये खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमें उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको चटनी कैसा लगे। तो चलिए फिर सब चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम हरी मिर्ची ले लिए हैं, तो अब हम इन्हें छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। हमें हरी मिर्च को इस तरह से काट लेना है, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों करके, इतने छोटे छोटे टुकड़े करके, ज़्यादा छोटा हमें नहीं करना है, बस इस हिसाब से काट लेना है सारी मिर्ची को। अब हम एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल, बस एक चम्मच ऑयल डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देते हैं। अब हमें 10 से 15 इसमें लहसुन की कलियां डाल देनी है छिलकर। इसे हमने रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लिया था, इसे भी डाल देते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं, अच्छे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो अब ये हल्का हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अभी ये हल्का हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे पीस लेंगे। हमें ये बहुत बारीक सा नहीं पीसना है, हमें बस इसे दरदरा ही कूट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये लहसुन मिर्ची का चटनी बनकर एकदम तैयार हो चुका है। हमें इसी तरह का दरदरा हमें कूट लेना था, तो मैंने इसे हल्का सा पीस लिया है। अभी ये बनकर बिल्कुल रेडी है, तो आप इसे सर्व करें रोटी पराठे या पूड़ी के साथ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये खाने में। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। बहुत ही तीखी चटपटी और मज़ेदार चटनी होती है ये। आप इसे एक बार बनाकर इसे फ्रिज में रखते हैं, 15 दिनों तक ये ख़राब नहीं होंगे और आप इसे 15 दिनों तक खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है ये चटनी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।